बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बना चुके हैं। वे टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म लेकर आए थे। इसमें दिखाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग घर में टॉयलेट नहीं बनवाते हैं और इसी वजह से सभी को खास तौर पर महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। इस मूवी के अलावा अक्षय कुमार सैनिटरी पैड पर भी फिल्म बना चुके हैं जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। अब वो फिर से एक ऐसे मुद्दे पर मूवी लेकर आ रही है जिसके बारे में लोग आज बात करने से बचते हैं। जी हाँ, वो है सेक्स एजुकेशन। अक्षय कुमार हाल ही में जेदा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो अगली मूवी में सेक्स एजुकेशन के सब्जेक्ट को दिखाएंगे। वो इस फिल्म पर अभी काम कर रही हैं। उन्होंने हॉलीवुड ट्रेड मैगजीन डेडलाइन से बात करते हुए कहा, ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, कई जगहों पर ये नहीं है। हमारे पास सभी तरह के सब्जेक्ट हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं और सेक्स एजुकेशन वो टॉपिक है जो मैं चाहूंगा कि दुनिया के सभी स्कूलों में इसे पढ़ाया जाए। इस फिल्म को बनने में अभी समय लगेगा। ये अप्रैल मई 2023 में आ सकती है। ये मेरी अब तक की बेस्ट फिल्मों में से एक है, 55 साल के एक्टर ने आगे कहा। मुझे इस तरह की फिल्में, सामाजिक फिल्में करना पसंद है। ये इतनी बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस वाली फिल्म नहीं है लेकिन इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। साल 2021 में अक्षय कुमार की सूर्यवंशी फिल्म रिलीज हुई थी जो हिट हो गई। इसके बाद उनकी अतरंगी रे, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वी राज, रक्षाबंधन, कठपुतली और राम सेतु कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली फिल्मों की फ्रेंचाइजी मूवी भी उनके हाथ से निकल गई है। इनमें वेलकम 3, हेरा फेरी 3 और आवारा पागल दीवाना 2 शामिल है। बताया जा रहा है कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन राजू का किरदार निभाएंगे। अक्षय कुमार हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म एन एक्शन हीरो में कैमियो में नजर आए थे। उनके पास सेल्फी ओ माय गॉड 2 भी है। वो एक साउथ की हिंदी रिमेक फिल्म भी कर रहे हैं जिसका नाम सुरराई पोटरू है। इसके साथ ही वो जसवंत सिंह गिल की बायोपिक भी कर रहे हैं जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है कि फिल्म अगले साल 2023 में रिलीज होगी।